कानपुर के इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में बदमाशों का इतना भय था कि आए दिन यह कॉलोनी में शरारत कर लोगों को परेशान करते थे, लेकिन पुलिस ने शरारत के 24 घंटे के बाद ही बदमाशों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल पहुंचा दिया। पुलिस की कार्रवाई से खुश होकर कॉलोनी वासियों ने थाना प्रभारी के साथ 2 दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत कर उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी और आगे भी अपराध के मामले में कॉलोनी वासियों ने पुलिस की कार्रवाई तत्परतापूर्वक हो इसकी गुहार लगाई है। कॉलोनी में इन बदमाशों का आतंक था। इन्होंने 2 घर के आंगन में खड़ी हुई कारों के शीशे फोड़ दिए थे। यह घटना क्षेत्र में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई थी, जिसकी मदद से पुलिस ने इनको 24 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया था। कॉलोनी के देवराज ठाकुर और अतुल राठौर ने बताया कि 2 बदमाशों ने कॉलोनी में कारों के शीशे फोड़े थे। इसकी हमने लालबाग थाने में शिकायत की थी। कॉलोनी के सत्यनारायण शर्मा और मनोज शर्मा ने बताया कि जैसे ही घटना हुई पुलिस को सूचना दी, तुरंत ही मौके पर पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर 24 घंटे में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और वहां से उन्हें खंडवा जेल भेज दिया है। पुलिस की कार्रवाई से पूरी कॉलोनी में खुशी का माहौल है, जिसको लेकर पुलिस कर्मियों का स्वागत सम्मान किया गया। देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल को और समस्त मीडिया कर्मियों का इस माध्यम से स्वागत करता हूं जो उन्होंने समय पर कवरेज दिया है। देखिए, अभी एक प्रकरण हुआ था 10/8 को रात्रि इंदिरा कॉलोनी में, और कुछ बदमाशों ने अनावश्यक रूप से कार के शीशे तोड़े, क्षति पहुंचाई, और वो इस तरह के बदमाश हैं जिन्होंने इंदिरा कॉलोनी में बहुत एक बड़ा आतंक मचा रखा है। तो हमने हिम्मत करके सबके सहयोग से उनकी रिपोर्ट डाली और पुलिस ने तत्परता और कर्तव्य दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार किया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है और पुलिस डिपार्टमेंट में हमें बहुत गर्व है। अभी शायद एक अपराधी बाकी है, तो वो भी उसको तलाश कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि पुलिस अपने इस तरह की तत्परता को हर अपराध में दिखाए। इस तरह से मेरी शुभकामनाएं हैं इस डिपार्टमेंट को और सभी पुलिसकर्मियों का। मैं बहुत समस्त इंदिरा कॉलोनी वासियों की तरफ से आभारी हूँ, धन्यवाद। बहुत समय से जो जिन लोगों ने ये कृत्य किया, इनका बहुत दिनों से आतंक बना हुआ था और समस्त कॉलोनी वासी भयग्रस्त थे। पुलिस की कार्रवाई से उनका, अब कॉलोनी वासियों का भय दूर हुआ है, और मैं लालबाग थाने के समस्त पदाधिकारी और समस्त स्टाफ को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ कि इन्होंने बहुत जल्दी ट्रेस करके और इनको गिरफ्तार किया और जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। पुलिस साहब, पुलिस महकमा, थानेदार साहब, TI साहब और हमारे राठौर साहब, जादव साहब, अजय भैया, सबकी बहुत बहुत कार्रवाई सराहनीय रही है। और आगे के लिए भी हम इनसे अपेक्षा करते हैं लालबाग पुलिस से कि आकर इंदिरा कॉलोनी में जो इस तरह का भय का वातावरण निर्मित करने वाले लोग थे, इन्हें गिरफ्तार करें, इनके ऊपर कार्रवाई करें और इंदिरा कॉलोनी वासियों को भय मुक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। अच्छी कार्रवाई की, इसलिए क्या कहना चाहूंगा? देखिए, पुलिस ने तो बहुत अच्छी कार्रवाई करी, शिकायत पे तत्काल उसका निराकरण किया, उनको गिरफ्तार किया और कॉलोनी में उनका जुलूस भी निकाला गया, जिससे लोगों में जो डर था वो कम हुआ है उनके जुलूस निकालने से। और पब्लिक में बड़ा खुशी है कि भाई ये एकदम से, और मुझे ये जहाँ तक जानकारी मिली है कि वो उनके आदर्श गुंडे लोग थे, वो कॉलोनी में दहशत पैदा करना चाहते थे, इस कारण से उन्होंने ये चीज़ें हरकतें करी, कारों के कांच फोड़े और ये किया। अच्छी कार्रवाई है, बहुत अच्छी कार्रवाई है। डॉक्टर संदीप पगार, अच्छा लग रहा है। जनता अगर हम लोगों से, पुलिस से पूछ रहेगी तो हमको भी अच्छा लगेगा और नौकरी करने में और अच्छा लगेगा। बस यही जनता से चाहते हैं, अपेक्षाएं कि वो भी हमारा समय समय पर कुछ भी समस्याएं हमको भी आती हैं तो उसमें सहयोग करें। वो कोई भी घटना या अपराध, कोई या किसी 2 नंबर के अपराध की सूचना मिलती तो उसकी तत्काल उनको सूचना, तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे और आरोपी सामने आएंगे तो बिल्कुल कार्रवाई।